खट्टर और तय करेंगे कि हमने स्कूल रखने हैं कि बंद करने हैं, मास्टर लाने के ना लाने हैं, इलाज किसका होगा, ये कह रहे कि हिंदू खतरे में है। साथियों, असल में ये हमारा ध्यान भटकाने की बात है। अगर आज कहीं पे खतरे में है तो हमारी पढ़ाई खतरे में है, हमारे स्कूल खतरे में है, हमारे अस्पताल खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारा संविधान और देश खतरे में है। असल में आज कोई साधारण परिस्थितियां नहीं है देश के अंदर। जिस तरह के हमले सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, बात आज तक जितनी हुई है सरकार द्वारा, चाहे वो मोदी ने कही चाहे वो खट्टर ने कही, हुआ उसका उल्टा। शब्द बहुत सूत्रा काट के लिए जो कदे भी नहीं सुना होगा, आप तो शिक्षाविद बैठे हैं अड़जात्र, लेकिन उसका हुआ उल्टा ये हमारे सामने है। बहुत से आंदोलन जमीन भी लड़े, आप ट्रेड यूनियन के बैनर से आप साथी सामने रहे होंगे। अभी हड़ताल हमने की थी पिछले दिनों, सवाल तो हड़ताल के भी बिंदु तो यही थे, हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे थे, लेबर कोड का विरोध कर रहे थे और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हिंदुस्तान पहला देश दुनिया का जहाँ पे किताबों पे टैक्स, GST 30% टैक्स है किताबों पे। इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि सरकार किसकी है। सरकार जनता द्वारा चुनी जरूर गई है, लेकिन ये कारपोरेट की सरकार है, अमाणी अडानी की सरकार है, उसके लिए काम कर रही है। देश ने और दुनिया ने महामारी को झेला पिछले दिनों, कोरोना लॉकडाउन, उस लॉकडाउन में हमारे स्कूल भी बंद थे, कारखाने बंद थे, तमाम तरह का उत्पादन बंद था, रोड रेल हवाई जहाज। उसके बावजूद भी आप तो शिक्षाविद हैं और साथी बैठे होंगे, अलग अलग तरह बिजनेस करने वाले भी हो सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी किसी की बढ़ी हो तो कोई साथी मेरे को बता दे। लेकिन इसी देश में लॉकडाउन में बंद में अगर कहीं बढ़ी है तो अडानी दुनिया का 2 नंबर का हो गया। अब उसकी बताओ कैसे बढ़ गई। ये जितने भी बंद के नाम पर काम होती नहीं तो कि महामारी को अवसर में बदलो, किसके लिए था अवसर? वो पढ़ाई को कह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाओ, आप भी आपको कहा ना का टैबलेट दिया भी, अब ऑनलाइन का ये भी कहा पिछले दिनों कि बढ़िया तरीका हो सकता है, ये बच्चे को घड़ी पढ़ा जा सके। अभी से अंतरना पड़ेगी, अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, हम बहुत से खुश हो रहे हैं ऑनलाइन कार्य प्रणाली का, आपकी तबादला जो नीति भी सरकार लेके आई है, ये ऑनलाइन भी कारपोरेट की देन है, उसने अपना माल बेचना है, अगर वो फिजिकली बेचेगा तो ज़्यादा लोग चाहिएंगे उसने। अब आप फोन पे बुक करो, आपके घर आ जाएगी, बीच में कितने आदमियों का रोजगार चला गया ये तो हमने नोट नहीं किया कभी भी। यही शिक्षा में भी सरकार करना चाहती है। और हो सकता है आप में से हेडमास्टर भी बैठे होंगे, यार जब 4 साल पहले हमारे पास प्रस्ताव डलो हमने करी थी ट्रांसफर तो है जमीन, हो सकता है अध्यापकों का उस टाइम भी नोटिस में हो गया जब सरकार इसको ट्रांसफर करवा रही थी डिपार्टमेंट के नाम पर, तब शायद इतना गुस्सा नहीं होगा अपने जितना आज दिक्कत हो रही है। ये जाहिर है बलविन स्कूला के बनेगा इस जमीन का, बहुत से साथियों ने कहा भी है अडानी के अंबानी के गोदाम खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, देश का प्रधानमंत्री सरकारी अस्पताल का स्कूला का धुमा उठ रहा है, प्राइवेट अस्पताल का अहमदाबाद में उद्घाटन करने लग रहा है, फरीदाबाद के अंदर अभी किया है। लोग ऑक्सीजन की कमी तो मर गया, तो मतलब हमारा देश पहुंच गया, ये एक स्थिति है। असल में सबसे ज्यादा अगर भुगत भोगी है तो बड़ी आबादी जो वंचित तबके हैं, दलित हैं, बैकबोर्ड हैं, महिलाएं हैं, वो उन पे ज्यादा हमला है। और सरकार बहुत बड़ा हिस्सा गांव के अंदर देहात के अंदर, ये जिसकी आज पढ़ाई खुशन लाग रही है ये उन्हीं से जा रही है, उन्हीं का इलाज जान लाग रहा है, ये लेबर कोड ज्यादातर उन्हीं के गए हैं। और वो आज बड़े लोग जयकारा बोलने वाले हैं, वो कहीं भी मिलेंगे, विरोध है मास्टर का आम जनता के अंदर, आम जनता में विरोध है डॉक्टर का, कर्मचारी बिजली का उसका भी विरोध, ये विरोध क्यों पैदा हो रहा है जनता के अंदर? ये समय सरकार की पॉलिसी है, कारपोरेट की बढ़िया चीज बताना है और हमारी जो असली चीज है वो जनता पर गाल धुआं लाग रही है।
कुछ नहीं करते बताइए सर, तनख्वाह इतनी ले रहे हैं। बालक भी उनके पढ़े ज्यादातर सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल मगर बालक बच गए तो वो मजदूरी करनी है के छोटे किसान के, और कोई दिहाड़ी करनी है आदमी है उसके बच रहे हैं ना, तो जिसका भी थोड़ा पे होता है उसके बालक तो पीढ़ी बस में बैठ के जाऊँ। हमला भी उनको स्कूल उनके बंद लाग रही है, मतलब चिराग योजना, चिराग का मतलब आप तो खूब पढ़ाओ दीपक, और दीपक तो चैनल बनाना कोई काम कर नहीं सकता, इन्हें तो भाई तरह दमोरा कर दिया, मतलब मास्टर लान खातर तो पीछे नहीं है, चिराग योजना करने खातर पीछे सरकार के पास है। ये असल में साझे की लड़ाई, बैनर लगे हुआ जन शिक्षा अधिकार मंच हरियाणा, कोई भी गठन नहीं हुआ इसका, अध्यापक संघ उसका हिस्सा है, ट्रेड यूनियन उसका हिस्सा है, और बाकी संगठन भी उसका हिस्सा है। हालांकि हमने जब इसका गठन पिछले दिनों किया, शिक्षा का मुख्य मुद्दा मतलब जन अधिकार, शिक्षा अधिकार, जनता का मुद्दा शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, जनता का मुद्दा शिक्षा जब तक नहीं बढ़ेगी, अकेला अध्यापक वर्ग या कोई और इसको बचा लेगा, मेरी समझ से बाहर। तो इसलिए हमने जनता को शामिल करना पड़ेगा, CIT2 ने पहलकदमी की, कई स्कूलों में धरने प्रदर्शन जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, सैकड़ों स्कूल हैं यहाँ जींद के अंदर, हमारे साथियों ने पहलकदमी करते हुए, तो ये बच्चे हमारे वहाँ पे, कहीं पे नौजवान सब आने SFI ने दूसरे लोगों ने भी सहयोग किया, और लगातार धरने अभी भी जारी हैं। एक दो जगह पे हमने उपलब्धता भी हासिल की है वहाँ पे प्रबंध हुआ टीचर का, लेकिन वो तो अभी एक दोबारा जिस तरह से होता है उसमें थोड़ी सुई मारने वाला काम है, एक बार तो वो कर दिया आतंत्रिक तौर पर, हस्ती तो वही पहुँच नहीं है जहाँ जिसके खिलाफ वही लड़ाई है। तो इसलिए साथियों मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, एक तो हमने इसको जन अभियान की तरफ हमने बढ़ना पड़ेगा, वो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, अध्यापक के अलावा हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, मतलब अध्यापक की जिम्मेवारी इसलिए ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि आप इसको नज़दीक से समझते हैं, इसका हिस्सा हैं। अध्यापक का जो समाज में जो कद है, आज से अगर 15-20 साल पहले जाएंगे तो ये स्कूलों की बिल्डिंग बनाने वाले बहुत से अध्यापक नेतृत्व तो करते थे वहाँ पे, गांव के अंदर चाहे उगाई करनी है चाहे दूसरा काम करना है, सामाजिक कार्यकर्ता की एक भूमिका जो टीचर की वो उस समय होती थी, शायद आज थोड़ी सी वो धुमिल हुई है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और क्योंकि भविष्य अध्यापक तैयार करते हैं, आज जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में वो आने वाला देश का भविष्य होगा, और वो आज अंधेरा में है, तो इसलिए जो शिक्षा दी भी जा रही है आप देख तो लेना, नई शिक्षा नीति मिल जाए क्या है, अभी नया सिलेबस आ गया कई जगह से यहाँ पर हरियाणा में भी, और गुजरात में पढ़ाने के लाग रहे 4 साल तक, मतलब RSS BJP का देश की आज़ादी में किसी तरह का कोई रोल नहीं है, एक फूल तक भी कटवारा क्या हुई बता दे तुम्हें इतिहास के अंदर, ये सावरकर क्या है, वीर सावरकर वीर क्या है उसने, एक ये सही है कि आज़ादी का आंदोलन एक बार आई वो, लेकिन सजा होगी जब उल्टे हट के सजा हम दे जब सजा मिलने लगी, काले पानी की सजा हुई, 6 माफीनामे हैं आज भी, और DC जिस उस समय जो तनख्वाह लेता था उस समय की पेंशन लेता था वीर सावरकर अंग्रेजों से, आज मंगल ग्रह की बात चल रही है, वहां जाने की बात है, पानी तो लिया जमीन तो ली सारी बात, वो मतलब क्या पढ़ाना, मतलब हम असल में ये दुनिया कैसे बढ़ती है या जान कर लाग रहे समाज, ये इंसान कहाँ से आया है ये भी किस्मत बताओ है, और सच्चाई हमारा मत कहीं भी पढ़े लिखे विद्वान साथी और डॉक्टर भी इलाज भी कर देंगे, और फिर नु कहेंगे भैया किस्मत तू है भाई, जो आड़े भी छोरा पट गया लिख गया, आड़े भी कही अध्यापक मेरे गुरु जी भाई किस्मत में लिख रहा किस जा भी चलिए जागी, लेकिन किस्मत तो भाई खतर लिखने लाग रही हूँ अरुणा मोदी लिखने लाग रहा है, ये तो कलियर होगी बे माता कड़े बैठी है, खट्टर और तय करेंगे कि हमने स्कूल रखने हैं बंद करने हैं, मास्टर लाने के ना लाने हैं, इलाज किसका होगा ये कह रहे कि हिंदू खतरे में है। साथियों असल में ये हमारा ध्यान भटकाने की बात है, अगर आज कहीं पे खतरे में है तो हमारी पढ़ाई खतरे में है, हमारे स्कूल खतरे में है, हमारे अस्पताल खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारा संविधान और देश खतरे में है, इन चीज़ों को अगर हम नहीं समझ पाए तो ये हमने जात के धर्म में गोत में इलाके में मजदूरा में तो किसानों के खिलाफ की बात की बताए जाट ये फलाने ये झगड़े करे दार कर रही है ये झगड़ा रेट मांगे इसलिए तुमने सस्ता नहीं ध्यान मारा जाऊंगे मजदूरा में और लूटेंगे भाई ये खा के तुमने सब क्या है
मारा तो भाई भूख में पड़ी जाए। दिक्कत कहाँ पैदा हो रही हम ये ना समझ लें, इसलिए जरूरत है ये जो हमला छोटा हमला नहीं है। कोई भी चीज तो हिंदुस्तान में सरकारी नहीं रह रही, कोई भी चीज जब सबकी में बिक लिया आखिरी में स्कूल ना भागी सबकी में तो बेच दिया। हम लड़ रहे अगले अगले, तो इसलिए आज साथियों समय कोई साधारण नहीं है। समय अब एक दी चोटी एक करके तमाम साथियों को तमाम तरह की लाग लपेट छोड़कर है एक मन से इन सवालों को उठाना पड़ेगा, तो इस सरकार को झुका जा सकता है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लड़ेंगे। तो भाई लड़े हैं तो आज तक का इतिहास गवाह है, लोग लड़े अंग्रेज आने दबाए, ये तो चीजें कुछ नहीं है। तो आप लड़ेंगे लड़ेंगे तो हर हालत में आप जीतेंगे, इस तमाम चीजों को आप बचा पाएंगे।